इसमें कौन सा जैन बताएंगे आप और कौन सा इसमें रुद्राक्ष बताएंगे? जैम तो रेड कोरल हो सकता है, मंगल है मोती पुण्यकार मोती है। मोती सर, मोती होगा सर पांच मुखी पहना सकते हैं बृहस्पति का सर, रेड कोरल है मेरे हिसाब से तो, मंगल के सर। यहाँ पुण्यकार पर मोती होगा, गोल्डन पर्ल, यहाँ पर पांच मुखी भी होगा, दो मुखी रुद्राक्ष भी होगा। है। मंगल, शनि और शुक्र दो मुखी तीनों किसके नीच के लिए हैं। बोला? दो मुखी किसके लिए बोला? सर दो मुखी चंद्रों के लिए, क्यों? मून के। सर यहाँ पर लगन फोर है ना, कर्कट लगन है ना सर। हाँ, तो लगन के लिए नहीं बताते नॉर्मली। नॉर्मली पांच पांच मुखी तो क्या है, छठे भाव के लिए हो गया, सिक्स लॉर्ड के लिए। सिक्स लॉर्ड ठीक रहना चाहिए ना, हाँ तो हाँ हाँ इसलिए पांच मुखी हो गया। ओके सर ओके। तो और फिर क्या, शनि के लिए सात मुखी हो जाएगा या 14 या 21। सात मुखी, फिर राहु के लिए आठ मुखी में, और ओके फिर सर, बारह अरे बारह अरे बारह ये चार मुखी इसके लिए, चार बुध के लिए। पांच सात आठ ठीक है। और जी जेम्स में हो जाएगा चंद्रमा के लिए मोती, मोती। हाँ मोती सर, मूंगा और ये पनवा, सर ओ यहाँ मूंगा पर और पुखराज। सर यहाँ पर जो मोती होगा सर, यहाँ पर जो मोती होगा वो पीला होने से थोड़ा बेहतर होगा, नहीं, क्यों, पीला की होगा, सफेद ही ठीक है। सफेद। ठीक है ओके। मोती, मूंगा और पुखराज राज, और मेन मेन तो ये तीन स्टोन हो गए। अब हम इसको जरा से देख लेते हैं, इसमें क्या दिखा रहा है, कहाँ पर दिखा रहा है ना। देखिए इसमें कोरल बता रहा है 100% नंबर वन पे, मंगल हाँ जी, मंगल तो योकारक हो ही गया ना, केंद्र तुझको का के स्वामी भी हो गया। बैठा है इसलिए नंबर वन पे, एंड इट विल गिव ऑफर गुड हेल्थ, कैरियर सक्सेस एंड किड्स हैप्पीनेस। व्हाई? क्योंकि ये गुड हेल्थ बिकॉज इट इज लग्न में बैठा हुआ है, कैरियर सक्सेस बिकॉज इट इज इन दी इट इज द टेंथ लॉर्ड, एंड इट्स हैप्पीनेस बिकॉज इट इज द फिफ्थ लॉर्ड। पर्ल मून, मून इज विल गिव 89% सक्सेस, वेल्थ एंड गुड हेल्थ, वेल्थ बिकॉज इट इज सिटिंग इन द सेकंड हाउस, एंड गुड हेल्थ बिकॉज इट इज द लग्नेश, एंड देन रूबी, रूबी यस वी डिड नॉट टेक इन टू अकाउंट, रूबी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, रूबी इज सेकेंड, दिस सेकेंड लॉर्ड सिटिंग इन दी लग्ना, इट इज ऑल्सो इन एक्सचेंज। एक्सचेंज, हाँ एक्सचेंज सर, बहुत अच्छा है। हाँ, सो रूबी इज वेरी पावरफुल टू गिव यू मनी। देन येलो सफायर, येलो सफायर विल गिव, ये दिस इज फॉर कंफर्ट्स, कॉन्कर एनिमीज एंड फेम, फेम बिकॉज नाइन्थ लॉर्ड, कॉन्कर एनिमीज बिकॉज सिक्स लॉर्ड, सिक्स लॉट एंड कंफर्ट्स बिकॉज इट इज द फोर्थ लॉर्ड, फोर्थ हाउस, इट इज इन द फोर्थ हाउस। सो दीज आर द मेन गुड प्लैनेट्स, एंड कैट्स आई ऑल्सो इज गुड, कैट्स आई इज अगेन इन द सेकेंड हाउस, सो इट गिव्स वेल्थ एंड गुड हेल्थ। सो गुड हेल्थ बिकॉज इट इज इन दी सन्स हाउस, सो इट विल गिव द रिजल्ट ऑफ द सन एज वेल एज इट विल गिव द रिजल्ट ऑफ द सेकेंड हाउस। सो दीज आर दी फाइव स्टोन्स दैट कैन बी सेलेक्ट सजेस्टेड। सर एक बार फिर से बता देंगे पेज कैसे खोलेंगे? सर इसमें एक क्वेश्चन आ रहा है कि मार्स जो है कंबस्ट दिखा रहा है और हेविली कंबस्ट है सर। कंबस तो है, लेकिन आप ये देखो ना कि एक्सचेंज बहुत अच्छा हो गया ना और सूर्य और चंद्रमा का। मार्स जो है बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है, बहुत
इम्पोर्टेंट प्लैनेट है, इसलिए इसको इसको तो पावर देने का जरूरत है ना। जी 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 जी। तो सर इसमें पांचों में कौन सी पहनना चाहिए सर मुझे, पांचों पहननी चाहिए? पांचों में अभी बताते हूँ, आगे भी इसमें है और कि इसमें कौन सी दशा चल रही है, कौन सी दशा के अनुसार इसमें बीस समय दशा जो चल रही है राहु राहु चल रही है, तो इसे खोलने के लिए ये पांच मतलब इसलिए देखे हैं कि परसेंटेज पावर देख रहे हैं हम कि 50% से ऊपर वाले पहन रहे हैं, 69 है केतु वजह से। तो इसलिए 47 वाला हमने वीनस नहीं लिया। हाँ 50 से ऊपर वाले ले लिए। और वैसे भी ये नीचे जो है ये फंक्शनल मेलिफिक है इस लगन के लिए। ये जितना जितना नीचे जाता जाता है उतना नेगेटिव हो जाता है। ब्लू सफायर इज द मोस्ट नेगेटिव राइट जेम इन दिस फॉर दिस सेवंथ एंड एट्थ लॉर्ड। मार्केश है और एट्थ लॉर्ड है। जी सर जी। ब्लू सफायर इज द वर्स्ट एंड शनि बैठा भी नहीं। अब अगर मान लो इस पत्री में अगर हम अब शनि के फल लेने हैं तो कैसे लेंगे? शनि के फल मतलब कि प्रोफेशनल हमें सक्सेस चाहिए तो फिर हम रुद्राक्ष 7 या 14 या 21 राज जो है ना वो हमें जरूर धारण करना चाहिए, तभी इससे जो है हमारे को प्रोफेशनल सक्सेस मिलेगी, क्योंकि इसमें प्रोफेशनल सक्सेस की हमेशा प्रॉब्लम है, हमेशा जो प्रोफेशन है ना वो उससे सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि नीच का शनि प्रोफेशनल सक्सेस नहीं देता जी। उसके लिए हमें शनि का शनि के रुद्राक्ष धारण करना बहुत जरूरी है जी। सात मुखी ये भी कर सकते हैं कि सात मुखी रुद्राक्ष माला पहन ली और उसके ऊपर शनि का जाप भी कर लिया। यस सर। या 54 वाली भी पहन सकते हैं ना सर, एक सुमेरु के साथ। और सर ये पांच रत्नों में कौन से रत्न एक्चुअली चूज करने चाहिए बेस्ट? अब राहु की दशा में ये सबसे बढ़िया कौन सा नंबर आ रहा है? 89 नंबर आ रहा है जी। कोरल 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 ठीक है जी। इसके बाद 77 आ रहा है पर्ल के लिए। ओके ओके। पर्ल की बजाय ना मून स्टोन। और ये 73 येलो सफायर आ रहा है, येलो सफायर ये पहना जा सकता है जी। ये तीनों मतलब दशा देखते हुए जो टॉप थ्री है बस बाकी छोड़ दीजिए जी, जो टॉप थ्री है उसे सेलेक्ट कर सकते हैं ना सर, टॉप टू ले सकते हैं और बाकी छोड़ सकते हैं जी जी जी। सो इसमें अभी मैं आपको दिखाता हूँ रुद्राक्ष का चैप्टर भी है सर। ये सॉफ्टवेयर हमें मिल सकता है क्या बीइंग स्टूडेंट्स ऑफ फ्यूचर पॉइंट? एक बार बता सकते हैं पेज कैसे आपने ओपन किया है? तो ये पेज कैसे ओपन किया, कहाँ जाके? मेरा देखिए ये रत्न विचार एडवांस के अंदर रत्न विचार था, रत्न इसमें रुद्राक्ष का पेज है, ये रुद्राक्ष रुद्राक्ष का पेज खोलेंगे तो ये रुद्राक्ष का पेज आ जाता है। इट सेज कि कौन सा रुद्राक्ष, ये इंट्रोडक्शन है, दिस इम्पोर्टेंस ऑफ द डिफरेंट रुद्राक्ष फॉर गेटिंग। अब यहाँ पे देखिए ये पढ़िए, दिस इज इम्पोर्टेंट, इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। अरे ये हमारे लिए अवेलेबल है क्या ये सॉफ्टवेयर? दिस इज ऑन पेमेंट बेसिस। तो ये कितने का होगा ये अगर लेना हो तो प्रोफेशनल वाला सॉफ्टवेयर? यू कैन डाउनलोड फ्रॉम आवर वेबसाइट एंड 2-3,000 रुपीज यू पे फॉर अ मंथ लाइक दैट। एवरी मंथली है, मंथली बेसिस भी है, ईयरली बेसिस भी है, वन टाइम बेसिस भी है। ओके। वन टाइम बेसिस पे द कंप्लीट सॉफ्टवेयर इज अप टू 50,000 रुपीस। ओके। माइनस द डिस्काउंट। और छोटा भी सॉफ्टवेयर ले सकते हैं, इसमें इतना बड़ा सॉफ्टवेयर लेने की जरूरत नहीं है आपको, यू कैन गो फॉर अ स्मॉलर वर्जन ऑफ इट। ओके सर।
फॉर गेटिंग द ऑस्पिशियस रिजल्ट्स ऑफ ऑल दीज प्लैनेट्स यू शुड वेयर रुद्राक्ष कवच कंप्राइज्ड ऑफ 4, 5, 7, 8 फेस रुद्राक्ष. 4 इज फॉर बुध हाउस 12th हाउस. 5 इज 6th हाउस. 7 इज फॉर 8th हाउस. 8 इज फॉर राहु. राहु वो भी 8th में ही है. 4, 5, 7, 8 फेस रुद्राक्ष. सर मतलब जो प्लैनेट भी बैठे हैं 6, 8, 12 में उसका भी काउंट करना पड़ेगा. वो भी तो नेगेटिविटी उनकी भी हटनी चाहिए ना. यस सर. थॉट्स ऑफ द 6, 8, 12 एंड द प्लैनेट्स इन द 6, 8, 12 हाउसेस. अगर ज्यादा प्लैनेट्स हो जाते हैं मान लो समटाइम्स मेनी प्लैनेट्स आर सिटिंग इन द 6, 8, 12 हाउसेस. जी तो इसमें देन वी सजेस्ट कि शिव रुद्राक्ष माला पहन लीजिए. ओके सर. इंस्टेड ऑफ सो मेनी रुद्राक्षस so you just wear one complete rudraksh mala. जैसे कि आपको बहुत सारे ज्यादातर प्लैनेट अगर आपके फेवरेबल हैं अच्छे हैं तो यू कैन वेयर नवरत्न माला 9 जेम्स माला. नाइन जेम्स वो क्या कहते हैं उसे नवरत्न ही कहते हैं सर. अंगूठी पहन सकते हैं नवरत्न अंगूठी. तो नवरत्न शुड नॉट बी वॉर्न बाय एवरीवन. जिसके बहुत सारे प्लैनेट्स पॉजिटिव होते हैं उसको ही सिर्फ नवरत्न अंगूठी सूट करती है. और एटलीस्ट कितने होने चाहिए सर पॉजिटिव एवरेज में? 5 तो हो जाए ना कम से कम. जी जी 5 प्लस हो जाएंगे तो उसको नवरत्न अंगूठी पहन सकते. ठीक है ठीक है सर. थैंक यू. नाउ वी टेक वन और टू एग्जांपल्स मोर. इसका ले लें आपको सर. मेरा लीजिए ना सर. ये सॉफ्टवेयर जो है ना उसका लैंग्वेज वेरिएशन होगा ना. ये जो सॉफ्टवेयर है ये लैंग्वेज वेरिएशन होगा ना. हिंदी इंग्लिश में तो है ही. बेंगोली में आता है सर. अवेलेबल इन ऑल लैंग्वेजेस. बेंगोली होगा? बेंगोली भी है. ओके सर. आई वुड लाइक टू टेक द एग्जांपल फॉर शर्ली. शर्ली कैन यू गिव योर डेट ऑफ बर्थ? यस 28th of February. 28th of February. Yes. Year 1987. 87. Yes. Time 10:30 a.m. 10:30 a.m. Hong Kong. Yes. Yes. So now you understand this first for I take you to gem. For you now which gem is required? Sir, horoscope change ho gayi hai. Hold on. Okay. This is horoscope. Now sorry. Yes. For her nine ki rudraksh. See this coral first. This Mars is positive. It is Lagnesh. So and it is sitting in the Lagna. So Mars is the most important planet here. So coral is important here. Coral is good for health and it avoids accidents. That is one. Then second is fifth lord. Fifth lord is ruby. Sun. Ruby. 11th house. So ruby is important. It gives earnings and kids happiness. Kids happiness for it is the fifth lord and it is sitting in the 11th house, so it gives earnings. Then ninth lord is Jupiter. Jupiter is represented by yellow sapphire.
So yellow sapphire is here. So ninth lord, and it is sitting in the 12th house. So it gives savings. The positive aspect of the 12th house is saving. So savings because of 12th house and fame because of the 9th house. So yellow sapphire is important. Then Kendradhipati, 4th house is Kendra. Yes. So Pearl is the gem for this. And earnings and comforts. Earnings because it is sitting in the 11th house. 11th house and 4th house. So together, earnings and comforts. It gives Pearl. Then diamond. Diamond is not really recommended in this horoscope, as you understand. That it is the 7th lord and it is the 2nd lord. So it is Marakrasthan. It is number 1 Marak for this horoscope. So diamond should not be normally selected. But Venus is sitting in the friendly house and in Kendra. It is important. See, the lord of the finance is sitting in the house of karma. So Venus is very important for your professional success. And your profession will be related to Venus. So that is why Venus has to be amplified. Its result, to get the best results of Venus, we should wear diamond, or if not diamond, we can take opal for Venus. We should, instead of taking the, whenever there is a controversy whether we should go for the stone or not, in that case, you take the second stone for the same planet. Like opal is the second stone for Venus, not the first stone. First stone is diamond. So we do not go for diamond. Better we go for opal. So that will give you a much better results. The negativity is much reduced and positivity is increased, enhanced. So we go for opal in this case. And it will give career success, wealth and marital bliss. Marital bliss because it is 7th lord. So, and other planets are negative in this horoscope. And Gomedh is totally negative. Why? Because sitting in the 12th house. And the 12th lord is also in the 12th house. So that is why Rahu is not at all required or not at all acceptable. Sir, इसमें हम ये diamond क्यों पहना रहे हैं? Second और seventh lord Venus के होते हुए? क्योंकि हम इसमें professional success चाहते हैं. प्रोफेशनल सक्सेस तो कोई भी चाहेगा, पैसा तो कोई भी चाहेगा. पैसा जो है, सेकंड हाउस इज मनी, तो वो पैसा तो हमें कैसे मिलेगा? कर्म से पैसा मिल रहा है. शुक्र 10th हाउस में बैठा है तो कर्म से पैसा मिलेगा, कैसे मिलेगा? उसके लिए हमें शुक्र को एनहेंस करना पड़ेगा ना, उसकी पावर को. इसीलिए पावर को एनहेंस करने के लिए डायमंड की बजाय ओपल बनाते हैं. कभी कोई स्टोन अगर हमें ऐसा लगता है कि ये नेगेटिव है, जा रहा है, ये पॉजिटिव नहीं है, उस केस में हमें उस ग्रह को का उपरत्न पहनाना चाहिए. सर, इसी में, इसी चार्ट में, यदि इन प्लेस ऑफ ये जो मकर राशि के जगह में यदि कर्क या सिंह लग्न, सिंह राशि रहती जिसमें विनस बैठा होता, तो हम क्या स्टेप लेते सर? तब भी यही लेते कि 10th हाउस में है ना. अगर ये शुक्र मान लो 12वें घर में हो जाता तो इसको बिल्कुल नहीं बनाते. मेरा ये क्वेश्चन था सर, 10th हाउस में यदि मान लीजिए शत्रु राशि में बैठा है तो भी पहना सकते हैं? तो भी पहनाते, फिर हमें उतना तो भी हम फिर उपरत्न ही पहनाते, मतलब उसमें, उस केस में उपरत्न पहनाते हैं सर. हाँ,
सर अगर ये जैसे एरीज लग्न है मार्स का मूल त्रिकोण राशि मार्स वहीं पर है और एर्थ लॉर्ड भी है मार्स, मान लीजिए अगर शनि नहीं है वहां पे एर्थ हाउस में और मार्स अगर एर्थ हाउस में अपनी अपने साइन में और लग्न लॉर्ड है, तब क्या हम रेड कोरल बोल सकते हैं, रेकमेंड कर सकते हैं? मार्स इन एर्थ हाउस इन स्कॉर्पियो बीइंग द लग्न लॉर्ड तब भी ठीक रहेगा चाहे एर्थ हाउस में है? फिर नॉर्मली हम इग्नोर कर देते हैं इसको, इग्नोर कर देते हैं। एर्थ हाउस में अगर मंगल होता ओके तो हम नहीं करते। और मान लीजिए सिक्स्थ हाउस में होता मार्स इन एरीज इन सिक्स्थ हाउस और स्कॉर्पियो लग्न होता, तो स्कॉर्पियो लगन और मार्स इन सिक्स्थ हाउस इन एरीज बना देते हैं। ओके ओके सर, एट्थ हाउस को अवॉइड करते हैं थोड़ा सा। ओके सर, योग कारक अगर मान लीजिए हो एट्थ हाउस में तब पहना सकते हैं? नहीं तो भी अवॉइड करना चाहिए अगर नहीं कर सकते। सर यहाँ पर तो तीन मुखी रुद्र दे सकते हैं एट्थ हाउस में हो तो। जस्ट होल्ड ऑन होल्ड ऑन, आई बताते हैं इसको। नाउ लेट अस सी कि इन दिस दशा शी इज गोइंग थ्रू दिस सैटर्न दशा, in Saturn dasha what stone should be worn by her? So here you can see that the best stone here is 71, this coral only. Coral is the best stone, so she should go for coral, number one. Number two, she should go for ruby, and number three is pearl, number four is yellow sapphire and diamond. So now whether we should give her yellow sapphire or we should give her diamond. So I would suggest that don't give yellow sapphire, don't give diamond, but give opal. Opal is very, very effective planet, effective gem for this horoscope. We can, coral is also, you know, coral is for health. So we may not be needing at this age, there is no health problem, so why should we go for coral? No, not required. Pearl is, you know, the family happiness and all that. So it is also okay. Normally at this age, we need progress. We, instead of going for this, let's forget about this family happiness. And the fifth house is your mind, how it works and how you gain out of your mind. So ruby is important at this point. Ruby is important, so we should better give ruby as well as this opal. These two stones should be given as a first choice to give a jump in the professional sphere, in the professional life. So, or if now you see that she is doing astrology, now she wants to excel in astrology. So we want that astrology should be excelled and professionally, matlab she should excel in astrology. That is the requirement. Then in that case, we can forget about ruby. We can better go for yellow sapphire because it is the ninth lord and it is the 12th lord sitting in the, Jupiter is sitting in its own sign. So Jupiter, to make Jupiter more powerful, to we can offer yellow sapphire. So basically, normally many stones are suggested, but we have to select what is the purpose of the stone, where, what for we are giving the stone. So if depending on the requirement of this of the native, we should give the stone as per the requirement. Okay. I want to get married. Which stone is better? For marriage, yes, opal is the best. Okay. Yes. For marriage, for professional life, for professional life, either ruby or
this yellow sapphire. Okay. If you want to enhance your power of astrology, then yellow sapphire is a must. Okay. सर जैसे अगर मान लीजिए अगर वीनस सेवेंथ लॉर्ड नहीं होता है यहाँ पे मतलब वीनस मान लीजिए थर्ड या फोर्थ लॉर्ड है मान लीजिए तो वीनस का अगर हम पहनते हैं स्टोन तो क्या वीनस की जो नेचुरल टेंडेंसी है मैरिज और रिलेशनशिप वो भी इनहेंस होती है या सिर्फ जिसका लॉर्ड है और जहाँ बैठा है वो इनहेंस होगी फंडामेंटल चीजें नहीं लॉर्ड और जहां पे प्लेस्ड है वो एनहांस होंगी ओके ओके सर सेकंडली नाउ वी हैव टू सी व्हाट वेदर वी शुड गिव एनी रुद्राक्ष टू हर और नॉट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट रुद्राक्षस आर रिक्वायर्ड यू कैन सी जन्मुखी सर हां केतु 10 फेज 9 फेज 9 फेज जी 4 फेज फॉर फोर मुखी रुद्राक्ष four okay. Mukhi for this, then three Mukhi for Mars, seven Mukhi for Saturn, eight Mukhi for Rahu, and five Mukhi for Jupiter. So 5, 8, 4, 5, 8, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 6 is not there. 6 is 7, 8, 9. Let us calculate this. Four, five, seven, eight, nine. These are the four, five, seven, eight, nine. These are the Rudrakshas required to remove all the negativities. So she can wear kavach made of these rudrakshas. Now what is most important here? Seven phase rudraksh negativity is causing the problem for finance, for professional life. So seven phase rudraksh will definitely should definitely be there. And what else is required now for a good married life? You can say that Jupiter is normally the ninth lord, also is important. So five phase rudraksh may be important. So for a good married life, seven phase rudraksh for professional life, four phase is for good health. So that may not be so important. Nine phase may not be so important because again that's for health. Rahu eight phase Rudraksh, that we can ignore. So fundamentally, most important is seven phase Rudraksh in this, and and five phase Rudraksh for marriage or spirituality or astrology. Sir, मेरे को एक previous से एक question है. कि शिव कृपा रुद्राक्ष या फिर सेवन मुखी रुद्राक्ष में से मुझे कौन सा सूट करेगा सर दोनों में से कौन सा ऑप्शन है शिव कृपा रुद्राक्ष या फिर सेवन मुखी रुद्राक्ष किसमें एक में जाना चाहिए मुझे जो प्रीवियस वाले में था कृपा रुद्राक्ष वाला 1 से 14 रुपए वो वाला 1 से 14 मुखी में से हाँ जी जी या 14 फेस इटसेल्फ नहीं सात मुखी या फिर शिव कृपा किस पे जाना चाहिए सर इसमें तो 14 मुखी कम से कम पहनना चाहिए 14 मुखी पहनना चाहिए 14 मुखी जो नेपाली है ना जी जी काफी ज्यादा नेगेटिविटी है जी 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 काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव बनाना चाहिए 14 मुखी किस पे पहनना चाहिए सर धागे में पहन सकते हैं चेन में पहन सकते हैं जी जी वो थ्रू आउट पहनना चाहिए ओके okay, और कवच भी पहनना चाहिए जो कवच बताया गया कवच पहनो नहीं पहनो और बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है आपको मेन इम्पोर्टेंट जो है ना इसमें आप बसात की रुद्राक्ष सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर ये मिनिमम कितने पहनने चाहिए मतलब एक हो या
एक ही है मिनिमम तो एक ही पहना जाता है आई नो कोई वन कैन अफोर्ड वन कैन पे वेयर सेवन टू थ्री ठीक है सर जी 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 तो चौदह मुखी एक पहनी जा सकती है मतलब सर ओके सर ओके उसमें सात और सात मुखी ऐड कर लो आजू बाजू में सात मुखी ऐड कर लो ओके ओके ये साथ में जी 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 ठीक है सर थैंक यू ओके तो नेक्स्ट और अब और कौन सा सवाल पूछ रहे थे आप लोग क्या आपको अभी तक जो समझ में नहीं आया था क्या नहीं आया था सर जो करियर में आपने जो करियर जो पढ़ाया था तो उसमें जो आपने बोला था कि टेंथ हाउस में जब ट्रांजिट हो जुपिटर सैटर्न राहु का तो तब ट्रिगर होता है कुछ करियर में तो इससे दो सवाल है मेरे कि पहला तो क्या ये जो रूल है ये एप्लीकेबल है किसी भी हाउस के लिए फॉर एग्जांपल फोर्थ हाउस में जुपिटर सैटर्न राहु ट्रांजिट करेंगे तो फोर्थ हाउस में या तो प्रॉपर्टी एजुकेशन या मदर से रिलेटेड कुछ होगा बिल्कुल अच्छा तो ये मतलब सिर्फ टेंथ हाउस नहीं ये सारे हाउसेस के लिए एप्लीकेबल है और सर दूसरा सवाल ये है कि मतलब जैसे अब सैटर्न ने ट्रांजिट किया टेंथ हाउस में तो सैटर्न प्रॉब्लम्स लेके आ रहा है तो टेंथ हाउस में सैटर्न ट्रांजिट करेगा तो प्रॉब्लम लाएगा करियर में सैटर्न टेंथ हाउस में ट्रांजिट करेगा तो क्या प्रॉब्लम लाएगा जो सैटर्न का नेचर है टेंथ हाउस में नहीं ऐसा नहीं है कि प्रोग्रेस वहां से चंद्रमा से उसकी पोजीशन क्या है चंद्रमा से अगर ठीक है लेट्स से फोर्थ है फोर्थ तो नेगेटिव पोजीशन होती है ना अच्छा मान लीजिए थर्ड है तो अच्छी पोजीशन है तो कोई नेगेटिव नहीं लाएगा अच्छा नहीं सर मतलब क्वेश्चन का ये मतलब था कि जुपिटर सैटर्न राहु जब ट्रांजिट कर रहे हैं टेंथ हाउस में तो हम कैसे गेज करेंगे कि ये पॉजिटिव होगा करियर के लिए या नेगेटिव चंद्रमा या हमेशा जब भी ये ट्रांजिट करेंगे टेंथ हाउस वो पॉजिटिव ही होगा चंद्रमा से टेंथ हाउस हो गई टेंथ हाउस तो पोजीशन फिक्स हो गई लगन से तो पोजीशन फिक्स हो गई हाँ जी तो छोड़ दीजिए आप इग्नोर कर दीजिए अब आप चंद्रमा से देखिए चंद्रमा से लोकेशन जो है उसकी वेरी करेगी इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव तो वो कितनी नेगेटिव है या कितनी पॉजिटिव है वो चंद्रमा की लोकेशन से पता चल जाएगा एंड दैट विल बी आंसर तो वो मतलब जुपिटर को भी देखेंगे चंद्रमा से कहां पर ट्रांजिट कर रहा है हां बिल्कुल अच्छा वैसे 10th हाउस के जुपिटर पॉजिटिव ही माना जाता है लेकिन चंद्रमा से पोजीशन कहां पर है अष्टम में जा रही है मान लो तो थोड़ा नेगेटिव भी होगा हो सकता है छे और आठ जुपिटर नेगेटिव होगा ना मून से ओके छठे में उतना नेगेटिव नहीं होता आठवां और सर ये भी मैटर करेगा कि वो प्लैनेट जैसे जुपिटर फंक्शनल मैलेफिक है अगर तो वो मैटर करेगा कि टेंथ हाउस में कैसे रिजल्ट देगा मतलब सर फंक्शनल मैलेफिक और फंक्शनल बेनिफिक क्या कुछ मैटर करते हैं या सिर्फ थ्योरी में ही है जैसे जैसे ये पत्री है अब इसमें गुरु यहाँ से जा रहा होगा तो यहाँ इसके लिए काफी अच्छा योग कारक ग्रह है ना राइट तो योग कारक ग्रह जब टेंथ हाउस से क्रॉस करेगा तो जंप कराएगा उसमें और अगर सर फंक्शनल मैलेफिक होता जुपिटर मान लीजिए और टेंथ हाउस में हाँ तो मान लो ये छह नंबर लगन होता हाँ जी छह नंबर लगन होता यहाँ पे तीन नंबर से क्रॉस कर रहा होता तो वो नेगेटिव होता फिर बाधक होता उसके लिए अच्छा जुपिटर फिर बाधक होता करियर के लिए उसमें अच्छा ओके और सर एक तो बात आपने और बोली थी जो इंटरेस्टिंग थी काफी एक आपने बोला था एक बार बोला था कुछ बीच में बात में कि डिग्रीज मैटर नहीं करती हैं प्लैनेट्स की मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्लैनेट एक डिग्री पे है और अगर 15 डिग्री पे है तो क्या वो सेम है या एक डिग्री वाला वीक ही होगा नहीं नहीं इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिग्री एट ऑल मतलब डिग्री का कोई मैटर ही नहीं करता कि जो क्योंकि सर मतलब आसमान के अंदर ना आसमान के अंदर डिग्री कोई ऐसे नहीं बनी हुई है कि आपको 30 डिग्री पे एक डिग्री है यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे 29 डिग्री आ गया तो अब यहाँ पे वीक हो गया या स्ट्रॉन्ग हो गया ऐसे नहीं होता
वो आपको रिलेटेड टू योर हाउस पोजीशन देखनी है. इट इज इन द हाउस, इट इज इन द मिडिल और इट इज इन द कॉर्नर. इफ इट इज इन द कॉर्नर देन आल्सो इट इज नॉट वीक, इट विल गिव लेस रिजल्ट्स ऑफ दैट हाउस, दैट्स ऑल. अच्छा, लेकिन वो जो प्लेनेट है वो वीक नहीं हो रहा है दिस हाउस और एंड दिन एंड दिस हाउस, ऐसा हो जाएगा. वो उसके रिजल्ट्स मिक्स आएंगे, दो घरों के रिजल्ट मिक्स हो जाएंगे अगर आपका कम डिग्रीज पे चल रहा है तो, या लार्ज डिग्रीज पे चल रहा है तो, या मतलब चेंजिंग पोजीशन में है, हाउस की हाउस के एंड में है या हाउस के बिगिनिंग में है, तो वो उस समय दो हाउसेस के रिजल्ट आ सकते हैं. Okay. लेकिन वीक और स्ट्रॉन्ग नहीं होता. अच्छा, स्ट्रॉन्ग उसकी वजह से नहीं होता. मतलब किसी पर्टिकुलर प्लैनेट की बात करें, चाहे वो 15 डिग्री पे है या 38 डिग्री पे है, वो पर्टिकुलर प्लैनेट वीक या स्ट्रॉन्ग नहीं होगा. वो वैसे ही है, वो उस साइन को मानेंगे कि किस साइन में है या किस हाउस में है, उस हिसाब से वो फंक्शन करेगा. बस उस साइन में भी, मतलब उस साइन में वो पूरे प्रॉपरली उसने उसके प्रॉपर्टीज ले पाया या नहीं ले पाया. अगर मिड में होगा तो उस साइन की प्रॉपर्टीज सारी ले ली उसने. अच्छा, और अगर नहीं, अगर कॉर्नर में है तो अभी वो उसको मिक्स है प्रॉपर्टीज उसकी प्रीवियस साइन से. ओके, जैसे ये शनि है मान लो, अभी हमने ये शनि 28 डिग्री का है यहाँ पर. हाँ जी. ये नहीं है कि यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया. ये 28 का मतलब प्लस है, तो यानी कि वो सेकेंड हाउस में, इधर 11th हाउस में मूव करने वाला है, जा चुका है. तो ऐसे केस में ये जो है मिक्स रिजल्ट देगा मेष के और वृष के, 10th हाउस के और 11th हाउस के, क्योंकि 28 डिग्री पे लेट डिग्री है. लेकिन ये कमजोर नहीं है, कमजोर और वीक और स्ट्रॉन्ग नहीं होता. राइट राइट. हाँ सर, ये जो भाव चलित होता है, भाव चलित में जैसे कोई आगे हो जाता है प्लेनेट या पीछे हो जाता है, तो वो उसकी डिग्री पे मैटर करता है या कुछ और चीज पे मैटर करता है वो? जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये सैटर्न आगे जा रहा है 11th हाउस में क्योंकि 10th हाउस के लास्ट डिग्रीज में, इसलिए आगे जा रहा है वो, या वैसे भी अगर पहले भी होता तब भी जा सकता था? नहीं, इसलिए सेकंड हाउस में जा रहा है. मतलब वो डिग्रीज पे ही मैटर कर रहा है फिर. डिग्रीज की वजह से मूव कर रहा है. तो कोई मान लीजिए कोई प्लैनेट 15 डिग्री पे है, दो डिग्रीज होंगी तो वो प्रीवियस हाउस में जाने जा रहा होगा. राइट. तो अगर कोई प्लैनेट 10 से 20 डिग्री में है मान लीजिए किसी हाउस के, तो वो भाव चलित में उधर ही रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा वो नॉर्मली, तब भी जा सकता है. अच्छा, जो हाई लैटिट्यूड पे हॉरोस्कोप्स होते हैं उनमें जो है ना बहुत बहुत फर्क होता है, उसमें वो दिखाई देता है चौथे घर में होता है, पांचवे घर में, छठे घर में, ऐसे ऐसे बहुत ज्यादा वेरिएशन आ जाता है. जो हायर डिग्री की लैटिट्यूड्स की हॉरोस्कोप्स होती हैं, जैसे आप नॉर्वे की बनाइए या ये आप लंदन की भी बनाते हैं मान लो, लंदन के हॉरोस्कोप में कई बार इतना इतना अंतर आ जाता है कि आप कुछ का कुछ दिखाई दे रहा है कुछ और है कुछ. ओके. बहुत जज करना पड़ता है, ऐसे डिग्री बहुत ध्यान से देखनी पड़ती है, उसकी हाउस पोजीशन बड़ी ध्यान से देखनी पड़ती है. उसके अंदर एक ही साइन के अंदर दो दो हाउसेज आ जाते हैं, और दो दो हाउसेज, एक सिंगल हाउस दो दो साइन में चला जाता है. ऐसा हो जाता है, मतलब जैसे कि कन्या और तुला जो है, ये तो हो गया तीसरा घर इतना बड़ा, और ये चौथा और पांचवा घर हो गया ये. तो ऐसा ये कैसे पता लगेगा फिर सर? ये तो हाउस डिग्रीज देखोगे तो समझ में आएगा, या वो जो इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखोगे इसमें, ट्रांजिट वाले में पता चल जाएगा ना सर? ट्रांजिट वाले में पता चल जाएगा. अच्छा, वो जो गोल वाला जो है. अच्छा सर, एक चीज और बताइए ना, जुपिटर लग्न से कौन कौन से पोजीशन में, 8th और 6th में ही खराब है? मून से, मून से 12th हाउस और 8th हाउस. केवल मून से देखना है सर? मून से, लग्न से भी 8th और 12th में खराब होता है, और लग्न से जस्ट 8th और 12th और 6th में भी पार्शियली नेगेटिव है. सर लीगल प्रॉब्लम कहां से देखे सर? लीगल प्रॉब्लम 6th हाउस से देखेंगे. 8th हाउस से नहीं देखेंगे सर? 8th हाउस नहीं सर. एक चीज आपने और बोली थी पिछली क्लास में कि कॉम्प्लेक्शन के लिए 1st हाउस, तो जैसे हम फेस देखते हैं 2nd हाउस से,
कॉम्प्लेक्शन देखने के लिए सेकंड हाउस नहीं देखेंगे? नहीं नहीं, पर्सनालिटी जो है ना इज गवर्न्ड बाय द फर्स्ट हाउस। अच्छा, वो कॉम्प्लेक्शन उसमें आ रहा है फर्स्ट हाउस, पर्सनालिटी में, पर्सनालिटी में आ जाता है। और सर एक बात है सर, जिसमें बोलता है कोई कोई मेरा घर में चोरी हो गया, मैं नहीं था उसमें, बहुत बड़ा चोरी हो गया घर में, ये कहाँ से विचार करे सर? चोरी तो आठ में घर से विचार करे, और वो वापस मिलेगा कि नहीं मिले, ये कैसे रिजल्ट आएगा? जो चोरी हो गया वो वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये कैसे पता चलेगा सर? अगर चोरी जब हुआ है उस समय प्लैनेट्स बहुत ज्यादा नेगेटिव है तो नहीं मिलेगा। जैसे चंद्रमा से अष्टम में शनि जा रहा हो, चंद्रमा से अष्टम में गुरु भी जा रहा हो तो पैसा नहीं मिलेगा। ओके सर। चंद्रमा से द्वादश में जा रहे हो तो नहीं मिलेगा। सर मेरा इसमें इसी से सवाल है कि जैसे अभी ये हॉरोस्कोप बनी हुई है और अगर हमें इस वक्त गोचर की कुंडली बनानी है, तो सर जो इस वक्त गोचर के प्लैनेट चल रहे हैं वो हम यहाँ एज इट इज बिठा दें? जैसे एक नंबर में यहाँ शनि बैठा ही हुआ है इनका टेंथ हाउस में, और इस वक्त टेंथ हाउस काल पुरुष की कुंडली में यही है, तो यहीं पे हम शनि और बृहस्पति को बैठाए साथ में? नहीं, समय जैसे मकर में है ना शनि बृहस्पति, तो यहाँ बैठाए, यहाँ बैठाए। ओके, और फिर यहाँ से फिर जो भी जैसे चंद्रमा से जो भी ये गिनती पे आता है तो उस हिसाब से हम इसको प्रिडिक्ट करें कि ये यहाँ पे फेवरेबल है कि नहीं है। सर ये देखना पड़ेगा सर, 8th हाउस से मुझे चोरी देखना पड़ेगा, चोरी जो होता है 8th हाउस से देखना पड़ेगा। मतलब चोरी नॉर्मली चोरी ये जो है ना और पोजीशंस में भी होता है, ऐसा नहीं है कि 8th हाउस, 8th हाउस इंडिकेट करता है कि आपको चोरी कभी होगी आपके ऊपर कि नहीं होगी। ओके, राहु इसमें 8th हाउस में बैठा हुआ है। हाँ सर, राहु कई बार इट कैन गिव लॉस आल्सो, चोरी मतलब चोरी या लॉस, इस तरह का सडन लॉस दे सकता है। ओके, तो फिर अब चंद्रमा से मान लो ये इधर जैसे आ जाए या चंद्रमा के ऊपर ही कोई शनि जाए क्रॉस करेगा, अच्छा जो लॉस होगा वो परमानेंट लॉस हो जाएगा। ओके, या जा रहा है यहाँ पे जा रहा है मान लो, तो चंद्रमा से चाहे 11वें पोजीशन है लेकिन है चंद्रमा लगन से 12वें पोजीशन है, तो जब वो क्रॉस करेगा तो वो परमानेंट लॉस दे देता है। ओके, तो और लेकिन अगर चंद्रमा से मान लो अभी जैसे यहाँ अभी यहाँ पर है यहाँ पे और इस समय कोई लॉस होगा तो वो परमानेंट लॉस नहीं होगा, मिल जाएगा वापस, सर एक क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट आता है, जैसे कि कुछ यंग्स दिखाते हैं कुंडली और वो छूटते ये पूछते हैं हमारे पेरेंट्स की एज कैसी रहेगी, तो सर थोड़ा सा मुझे मदर और फादर की एज को थोड़ा सा बताइए कि हम कहां से थोड़ा सा टैली करेंगे। स्ट्रेट अवे देख लो, उनकी कोई साढ़े साथी तो नहीं चल रही है, अगर चल रही है तो पेरेंट्स की हेल्थ खराब होगी। ठीक है, अगर साथी नहीं है और आज दूर है आने में भी टाइम लगेगा तो तबियत सही रहेगी, बस साढ़े साथी और पेरेंट्स की हेल्थ बता दो। पेरेंट्स की ठीक है, अपनी साढ़े साथी होती है तो पेरेंट्स की हेल्थ खराब होती है। ठीक है सर, ये तो फिर ढैया पे भी एप्लीकेबल है फिर? हाँ ढैया पे भी है, लेकिन एट्थ ढैया हो तो भी ऐसा होता है। हाँ सर ठीक है सर, मेरी मदर की इसी में डेथ हुई, मेरी ढैया थी और एट्थ में है इसका सैटर्न, तो काफी इम्पोर्टेंट बातें बताई आपने, मतलब डिग्रीज वाली तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बताई है, क्योंकि कहीं भी देखें हम बुक्स में या यूट्यूब में या वैसे किसी और से भी पढ़े, वो डिग्री में एक डिग्री है वो सीधा कह देंगे वीक है ये तो, या 30 डिग्री है वीक है प्लैनेट, तो वो उसका लॉजिकली तो समझ आता नहीं है भाई क्या फर्क पड़ना चाहिए। जैसे आपने कहा स्काई में तो कुछ है नहीं 1 डिग्री 2 डिग्री, ये काफी अच्छी मतलब आपने नॉलेज दी है और इससे काफी हमारे भ्रम भी क्लियर हुए हैं। सर एक और डाउट है जो जनरल वो भी चलता रहता है, उसके बारे में भी बता दीजिए कि मरकरी कंबस्शन, क्योंकि मरकरी जनरली सन के साथ रहता है तो कब कंबस्ट होता है कब नहीं होता है? वैसे तो शायद किताब में या वैसे 12 डिग्री लिखा हुआ है, तो क्या 12 डिग्री पे ही कंबस्ट होना शुरू हो जाता है एक्चुअल में मरकरी? काफी डिग्री पहले हो जाता है कंबस्शन शुरू उसका,
और काफी डिग्री बाद तक रहता है, और नॉर्मली तो कंबस्शन अगर लिखा हुआ हो ना सी, हाँ जी, तो उसे कंबस्शन मानिए, अन्यथा मत मानिए। सर वो जो सी जो लिखा होगा वो तो 12 डिग्री के हिसाब से ही लिखा होगा हर जगह। नहीं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। वो सी लिखा होगा तो वो उसके प्लेनेटरी कंबस्शन पर ही लिखा होगा सी। सर वो वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे सी तभी आएगा जब वो कंबस्ट होगा। हाँ सर वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब जो ये जो सॉफ्टवेयर है उसमें तो डला ही हुआ है ना कि 12 डिग्री का फर्क होगा तो वहां सी आ ही जाएगा ऑटोमेटिकली मर्करी पे। ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं आता। आप उसे दिखाई देगा सर जो जो हम, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर आपको पंचांग में कंबस्शन रिपोर्ट दिखाता हूँ। ये कंबस्शन रिपोर्ट है, देखना ना 3 फरवरी को जैसे सेट राइज, सेट राइज, सेट सेट का मतलब है कि कंबस्ट हो गया, राइज का मतलब कि वो उदय हो गया, उदय हो गया, ठीक है ना। 1 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक सेट है ये। अब 1 अप्रैल, अब उसमें डिग्री वाइज कितना था ये यहाँ तो नहीं समझ में आएगा, पर सर ये कुंडली में तो हम वो डिग्री से ही देखेंगे है? कुंडली में तो सर डिग्री से ही देखेंगे। और लॉजिकली देखा जाए जितनी पास होगा सन के उतना ज्यादा कंबस्ट है डिग्री वाइज। हाँ वो तो नॉर्मली तो ये तो हो गई डिग्री से क्लोज होगा तो मतलब हम टोटल देखा जाता है इसमें लॉन्गिट्यूड प्लस लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड प्लस लैटिट्यूड के हिसाब से उसका कितना एंगल बना। कई बार लैटिट्यूड ज्यादा होता है, अच्छा तो लैटिट्यूड ज्यादा होता है तो डिग्री थोड़ी सी भी ज्यादा होंगी ना तो वो हट जाएगा वहां से, वो फिर रोल रहेगा। तो लैटिट्यूड प्लस लॉन्गिट्यूड दोनों मिला के कितना फर्क पड़ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है, दैट इज द क्राइटेरिया। बट सर क्या सारे सॉफ्टवेयर ये क्राइटेरिया ले रहे हैं या सिर्फ वो डिग्री पे जा रहे हैं? ये ज्यादा सॉफ्टवेयर ऐसे नहीं है जो कि प्रॉपरली जो इस कंबस्शन को ले रहे हैं, ऐसे एक दो ही सॉफ्टवेयर है। ओके ज्यादातर जो है सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये बड़ी कॉम्प्लेक्स का कैलकुलेशन है, ये कंबस्शन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है तो इसलिए, और उसका टाइम निकालना तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है कि कब कितने डिग्री पे ये कंबस्ट हो रहा है और कब नहीं हो रहा है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। इसका मतलब अपने ये हॉरोस्कोप में हम लोग जब देखते हैं तो मान लीजिए कि 10 डिग्री का कंबस्शन दिखा रहा है कोई पर्टिकुलर प्लैनेट, तो हम उसको 5 डिग्री पे कंबस्ट माने कि उसको ले लें 10 डिग्री पे ही कंबस्ट सी लिखा है तो। नहीं नहीं तो 5 पे तो होगा ही होगा ना फिर कंबस्ट। जी जी कंबस्ट आ रहा है तो 5 पे तो कंबस्ट होगा ही होगा। हां इनके सर 10 पे सी लिखा हुआ है तो उसे कंबस्ट ही माना जाए पूरी तरह से। हां बिल्कुल पूरी तरह से, मतलब कि वो उस समय पे विजिबल नहीं है स्टार। ओके सर ओके, जो मतलब है उसका मतलब वो विजिबल नहीं है वहां पे स्टार। हां तब तो हो गया सर, अस्त तो हो ही गया। तो सर फिर तो मतलब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हुआ ही नहीं, वो तो पता लग ही जाएगा विजिबल है या नहीं, है ना। हां सर कंबस्ट ज्यादा खराब है कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट है? कंबस्ट प्लैनेट ज्यादा खराब होते हैं कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट? रेट्रोग्रेड तो पावरफुल होते हैं। ओके ये क्या पूछ रही हो आप सर, लेकिन रेट्रोग्रेड भी कंफ्यूजिंग है, कुछ क्लियर क्लैरिटी मिलती नहीं है उसमें। सर जैसे सैटर्न अगर रेट्रोग्रेड है तो काफी मतलब चेंजेस लाएंगे लाइफ में। हां नहीं नहीं सैटर्न देखो वक्री है ना, वक्री ग्रह जो है हमेशा पावरफुल होता है, बस एक ही सिंपल फॉर्मूला। डिपेंड करता है कि आपके हॉरोस्कोप में अच्छा या बुरा है। जब वो सैटर्न जब एरिस में बैठेगा तब रेट्रोग्रेड होगा, उसका पावर क्या होगा? जब वो सूरज, जब वो पृथ्वी के पास होता है प्लेनेट तो वो वक्री होता है, ये आपको कई बार बताया मैंने, बहुत बार बताया। हाँ जी सर आपने बताया। नहीं सर बट उसका मतलब इंटरप्रिटेशन क्या होगा, जैसे शनि एरीज में है रेट्रोग्रेड तो वो और नेगेटिव हो गया रेट्रोग्रेड एरीज में। नेगेटिव और ज्यादा नेगेटिव,
और लिब्रा में अगर सैटर्न रेट्रोग्रेड है तो और पॉजिटिव हो गया। ओके बस ऐसे ही याद कर लें, शत्रु राशि में खराब और रेट्रोग्रेड पावरफुल, वो पृथ्वी के पास है, जो जो पृथ्वी के पास होगा वो ज्यादा ज्यादा अफेक्ट करेगा ना। तो सर कुंडली में रेट्रोग्रेड प्लैनेट अगर ज्यादा है बिल्कुल यूजलेस पावरलेस, राइट राइट, और रेट्रोग्रेड का मतलब है वेरी स्ट्रॉन्ग, और जो बाहर जो प्लैनेट होते हैं आउटर प्लैनेट हैं मार्स जुपिटर और सैटर्न, जब भी वो पृथ्वी के पास होते हैं तो वो वक्री तो होते हैं लेकिन कभी कंबस नहीं हो सकते, वो अपोजिट डायरेक्शन नहीं। बट सर मैंने देखे हैं कि रेट्रोग्रेड एंड कंबस बोथ एट द सेम टाइम, वो सिर्फ मरकरी और वीनस के लिए होता है। जी 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 जी, वो शनि मंगल और गुरु के लिए नहीं होता। ओके ओके सर। हाँ वो शनि मंगल और गुरु जो है अगर या तो वक्री होंगे या फिर वो कंबस्ट होंगे, एक ही चीज होगी दोनों में से। राइट तो सर अगर रेट्रोग्रेड और कंबस्ट दोनों हैं मरकरी या वीनस तो उसका क्या हम इंटरप्रिटेशन निकालें? अगर वो कंबस्ट अगर वो मतलब वो जो है उसमें जो जब वो वक्री भी है उस समय वो पृथ्वी के पास है तो पृथ्वी के पास होने की वजह से उसका प्रभाव पृथ्वी पर आ रहा है। वो जो कंबस्ट होता है तो वो भी पूरा कंबस्ट नहीं मानो उसे, वो भी उसका भी असर मिल रहा है हमें, उसके उसके रेज हमें कॉस्मिक रेज मिल रही है क्योंकि सन तो उसके पीछे है ना थोड़ा दूर है ना, और ये पास में है, मतलब पृथ्वी है फिर वो प्लेनेट है फिर वो सन है, तो सन का कंबस्टन पूरा कंबस्टन नहीं हुआ, और अगर जब वो डायरेक्ट होता है तो वो उसके अपोजिट साइड में चला जाएगा प्लैनेट, राइट राइट, अपोजिट साइड में चला जाएगा तो उसका एक रे भी नहीं मिलेगी हमें, तो वो पूर्ण कंबस्टन हो जाएगा। तो सर इसका मतलब ये है कि अगर कंबस्ट होना ही है प्लैनेट को तो रेट्रोग्रेड भी हो जाए वो बेटर है? नहीं नहीं, अगर रेट्रोग्रेड हो गया तो फिर वो पूर्ण कंबस्टन नहीं हुआ एक तरह से। हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि अगर कोई प्लैनेट कंबस्ट है कुंडली में और दूसरी में कंबस्ट और रेट्रोग्रेड है तो दूसरी वाला बेटर हो गया फिर। हाँ मतलब वो उसका कुछ असर तो मिलेगा हमें, जो कंबस्ट और रेट्रोग्रेड है तो उसका कुछ असर मिलेगा। ओके ओके, डायरेक्ट और कंबस्ट है उसका कुछ भी असर नहीं मिलेगा। सर मेरा क्वेश्चन है इस वाली कुंडली को देख के, ये जैसे बहुत कुंडलियों में मैंने देखा है बुध और केतु हमेशा साथ बैठते हैं, तो सर राहु का तो पता है, केतु का इम्पैक्ट क्या आता है बुध के साथ? ऐसा नहीं है, बुध और केतु कैसे साथ बैठ जाएंगे? हमें साथ बैठने का कोई हमारा रूल नहीं है, वो कभी बैठते हैं कभी नहीं बैठते, वो जैसे 112th पोजीशन होगी बस, 12 घरों में से एक घर में हो सकता है बुध और उसी 12 ग्रहों में एक जगह हो सकता है केतु। नहीं जैसे सर इसमें बुध और केतु साथ बैठे हुए हैं है ना, और राहु सामने है, भाई दी भी तो, हाँ तो इन दोनों का क्या, राहु का तो हमें पता है कि वो सातवीं दृष्टि से देख रहा है और उसके इम्पैक्ट बुध पे क्योंकि उसके फ्रेंड को वो देख रहा है तो इसलिए इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन केतु जब साथ में बैठता है तो केतु की प्रवृत्ति क्या होती है, वो बुध की प्रवृत्ति का काम करेगा या वो अपनी नेचर का काम करेगा? नहीं नहीं, वो तो पहले तो ये देखिए ना कि किसके घर में बैठा है, जैसे इसमें यहाँ पे सूर्य के घर, सूर्य के घर में बैठा है। हाँ ठीक है, प्रवृत्ति जो है वो सूर्य की सी रहेगी। अच्छा